हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल बताऊँगी, ये मेरी एक बहन है, अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने किसी प्यारे के साथ निकाह करना चाहती है और उसका पैगाम तक जा चुका है, लेकिन वो इस चीज़ पर राज़ी ही नहीं, उसकी फ़ैमिली ही नहीं राज़ी। तो वो चाहती हैं कि उनकी फ़ैमिली राज़ी हो जाए। एक मेरे भाई हैं जो किसी से बेपनाह जो है उनस रखते हैं या प्यार करते हैं, लेकिन जिससे वो प्यार करते हैं वो बिल्कुल भी उनसे मोहब्बत नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती है। तो ऐसी बहन के लिए ये वजीफ़ा है, जो ये वजीफ़ा बताए हुए तरीके से करे, इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आप जिस मकसद के लिए वजीफ़ा करेंगे वो मकसद फ़ौरन कामयाब होगा। इस वजीफ़े में चीज़ें जो इस्तेमाल में होंगी उसमें आपको एक अतर जो आपके पास मौजूद हो या फिर कोई सा भी आप अतर इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके अंदर आपने 11 काली मिर्चें आपने लेनी है और उस अतर में डाल देनी है। 11 काली मिर्चें आपने लेकर अतर में डाल देनी है। अब आपने क्या करना है कि जब तक आप मतलब कि ये अमल शुरू नहीं करते, यानी कि अगर आपने सुबह को ये मिर्चें अतर के अंदर डाली हैं तो फिर आपने रात को अमल करना है। अगर आपने रात को मिर्चें डाली हैं तो फिर आपने सुबह फजर के टाइम अमल करना है, ठीक है। ये तरीका है। सूरज की गर्मी में या सूरज की जब किरण वाजिया हो तब अमल नहीं करना। अब आपने क्या करना है, अतर में जो मिर्चें आपने डाली हैं उनके ऊपर आपने जब आप मिर्चें डालें तो जिस मकसद के लिए आप अमल कर रहे हैं वो मकसद बयान करें। आप अल्लाह पाक से फ़रियाद करें कि या अल्लाह पाक, मैं इस मकसद के लिए ये अमल कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, तो मेरा मकसद पूरा हो जाए। जिस प्यारे के लिए मैं अमल कर रही हूँ, मैं जायज़ काम के लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मेरा वो मकसद पूरा हो। मैं निकाह के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये मेरा मकसद अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो जाए। अब आपने काली मिर्चों को जो है रात के वक्त जो पढ़ाई करनी है वो गौर से सुन लें। आपने सूरह कौसर को सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ना है। कितनी मिर्चें आपने ली? 11 मिर्चें, ठीक है। एक मरतबा सूरह कौसर पढ़ के आप विर्द करेंगे या वदूद होगा। कितनी दफ़ा विर्द करेंगे? 11 मरतबा। एक दफ़ा सूरह कौसर 11 मरतबा या वदूद हो, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 11-11 के हिसाब से आपने 11 मिर्चें हैं तो 11-11 के हिसाब से 11 मरतबा सूरह कौसर और 11-11 के हिसाब से आपने या वदूदू पढ़ना है। पहले सूरह कौसर, फिर या वदूदू 11 मरतबा, फिर सूरह कौसर, फिर या वदूदू 11 मरतबा। और सेंटर में आपने क्या करना है, जब आप सूरह कौसर और या वदूदू पढ़ लें तो फिर आपने पुकारना है। अब पुकारने का जो तरीका है वो गौर से सुने। पुकारने का जो तरीका है, या वदूदू आपने जब 11 मरतबा पढ़ लिया, जब वो 11 मरतबा पढ़ेंगे तो लास्ट में जब आपने लास्ट 11वां वाला पढ़ा या वदूदू, तो उसके बाद पता आपने क्या कहना है, आपने कहना है या जिब्राइल, या मीकाईल, या इसराइल, या इसराफील, बाहुक्मे अल्लाह, हाजिर शु, हाजिर शु और हाजिर शु, ठीक है। अब हाजिर शु हम किसको हाजिर करना चाहते हैं, सुबह के टाइम या कल या दूसरे दिन? आप जिस प्यारे को हाजिर करने चाहते हैं सिर्फ उसका नाम लेंगे। ये ना आप वालदा का नाम लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, जिसको, क्योंकि वो आपके दिल को जानते हैं, ठीक है। अगर आप उनको पुकारते हैं अल्लाह पाक के बाहुकम से तो इंशाल्लाह वो आप तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो आपने ये बात आपने मुकम्मल करने के बाद इसी तरह 11-11 मरतबा आपने करना है। करने के बाद आपने अच्छी तरह उन काली मिर्चों को इतना ज़ोर से हिलाना है दम करके कि वो बिल्कुल बेकरार हो जाए, बेचैन हो जाए, जैसे पानी के अंदर एक लहर, एक इस्तराब सा आ जाए, ठीक है। इस तरह आपने उसको ज़ोर ज़ोर से हिलाना है। ये हिलाने का जो काम है वो आप जब 11 मरतबा पढ़ें तब ज़ोर से हिलाएँ। जब आप दूसरी दफ़ा 11 मरतबा पढ़ें या वदूदू और नाम वगैरह लें तब इसी तरह आपने 11 मरतबा करना है। अब आप जब 11 मरतबा करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, वो अतर की जो शीशी होगी जिसके अंदर आपने काली मिर्चें रखी होंगी, आपने वो अतर की शीशी समेत आपने किसी ऊंची जगह रख कर, तो आप आराम से किसी से बात किए बगैर सो जाएं। ये अमल आप लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म की पकड़ नहीं है कि आप जाए नमाज पर ही करें, आप किसी भी जगह पर बैठ के कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, काली मिर्चों को तब तक अतर से नहीं मतलब कि बाहर निकालना जब तक आपका मकसद पूरा ना हो जाए। फ़र्ज़ करेंगे एक मकसद आपका सुबह के टाइम ही पूरा हो गया, उस जिस भाई के लिए या बहन के लिए आप कर रहे हो वो उसकी कॉल आ जाती है या वो आपसे मान जाता है, तो फिर आपने एक काली मिर्च निकाल कर जलानी है, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें आप 4-5 दिन बाद वो फिर इसी तरह की हरकत कर रहा है या परेशान कर रहा है, फिर आपने दूसरी जलानी है, ठीक है। इसी तरह करते करते जब आप 5-6 जला देंगे, आप देखिएगा फिर आपका प्यारा कभी ज़िंदगी में भी आपके पास से दूर चला गया तो आप अपनी बहन को कहिएगा, ठीक है। ये अमल ख़ास है, ये ख़ास तरीके की जो मैं आपको अमल बताती हूँ, ये बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा इनकी ज़कात अदा करके तो फिर ही किया जाता है। ये अमल मैंने जितने लोगों को दिया है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुए। आप भी ये अमल ज़रूर कीजिएगा और इजाज़त ज़रूर लीजिएगा, अपनी बहन को याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैरा।